सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये अब किसको दोषी बोलूँ समझ नहीं आ रहा आज। क्योंकि इसमें जेई वाले जो बच्चे हैं बहुत ही प्रॉब्लम में, सबको पता है। और आज मीटिंग से ये नहीं पता लगा कि ये सारा दोष किसका है। एनटीए का दोष है या आईआईटी गुवाहाटी का दोष है या एजुकेशन मिनिस्ट्री का है या पीएमओ का है, जो आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आज मीटिंग थी, सबसे पहले तो दोष आप लोगों का भी है। आप कहोगे सर हमारा कैसे, क्योंकि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो। झूठ का आप कहोगे सर कैसे। कल जब हमारा स्पेस था और वीसी थी, उसमें एक बच्चा था, उसने बोला था सर मेरे पास 10 बच्चे हैं और सबसे बात होगी, हम 10 बच्चे तो हम आ जाएंगे और बाकी मेरी कुछ मेरी पर्सनल बच्चों से बात हुई, इवन उससे व्हाट्सएप पे भी बात हुई उस बच्चे से, और वो आज नहीं पहुंचा मीटिंग के अंदर। और हम वेट करते रहे, मैं भी पहुंच गया था और भी लोग पहुंच गए थे। 3 बच्चे बेचारे हौज खास से आए। अगर ऐसा वो मना कर देता जी मैं नहीं आऊंगा या मेरे साथ बच्चे नहीं आएंगे, तो ये हौज खास वाले बच्चे आते। खैर, वो मुझे पता लगा वो बच्चा नहीं था, वो कोई और ही था जो आप लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फ्यूचर आईआईटी इनके नाम से जो बनी हुई थी वो, और मैंने उसको सुबह बहुत कॉल किया व्हाट्सएप पर, और जब उसको वैसे ट्राई किया उसका नंबर ही नहीं लगा। तो जो भी है, खैर वो छोड़िएगा जो हुआ। अब मैं डिसीजन पर आता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आगे आप लोगों को मेरा क्या मैसेज है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि एनटीए में बात हुई, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में निकल के आया कि जो 75% क्राइटेरिया है एनटीए ने उसका अपोज किया था, वो आईआईटी गुवाहाटी ने उस पर थोपा। और आईआईटी गुवाहाटी ने जैसा इंस्ट्रक्शन उसको देगी वैसा करेगा, क्योंकि ये पेपर शायद आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है इस बार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी आईआईटी गुवाहाटी को क्या पड़ी थी 75%, क्या अकेला ये आईआईटी गुवाहाटी का डिसीजन है। जी, रिसोर्सेज से पता चला कि अकेले आईआईटी गुवाहाटी का डिसीजन नहीं है 75%। डिसीजन इंस्ट्रक्शन देने से पहले एनटीए को आईआईटी गुवाहाटी ने जितने भी आईआईटीज हैं सबके साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में निकल का आया कि 75% का क्राइटेरिया दोबारा से अप्लाई किया जाए। तो ये अकेला आईआईटी गुवाहाटी का नहीं है डिसीजन, ये जितनी भी आईआईटीज हैं सबका है। पहले सबकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद ये डिसीजन निकला। और ये जब एनटी के साथ मीटिंग हुई तो उसमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि इस बार 75% रूल आपको अनाउंस करना होगा। तो एनटी ने सीधा क्लियर बोल दिया कि अगर आप चाहते हैं 75% क्राइटेरिया हटे तो नथिंग इज इन आवर हैंड, एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी गुवाहाटी के भी हाथ में नहीं, अकेला आईआईटी गुवाहाटी विल डिस्कस विद ऑल आईआईटी, और जितनी भी आईआईटीज हैं उनके डिस्कशन के बाद ही मामला ये चेंज हो सकता है। बशर्ते हम लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मैं नहीं चाहता आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना। ऑन द वैकेंड वी विल वर्कआउट। मैंने एक 10 से 15 बच्चों की टीम बना ली है, सिर्फ उनमें से जब मुझे जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं बच्चों को मैं को बुलाऊंगा साथ में। पब्लिकली आपको कहीं कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, सिर्फ क्या प्रोग्रेस है। या तो एक हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जेई मेन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको आप खोल के देख सकते हो। दूसरा इस चैनल पे आपको मिलेगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तीसरा आपको ट्विटर पे मिल सकता है। बट मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, जिनका 75% वाला इशू है ना, ये
या कोई और भी इशू है, फोकस ऑन स्टडी यार, पढ़ाई पर फोकस कर लो, डिस्ट्रैक्ट होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली बोला है उन्हें, ठीक है। दूसरा, जब पोस्टपोनमेंट की बात की गई तो उन्होंने बोला जी ऊपर से ऑर्डर है कि हमें सारी चीजें लाइन पर लेकर आनी है आफ्टर कोरोना, जैसा सब कुछ पहले चलता था वैसे ही चलेगा और जैन में ही पेपर होगा। मैंने कहा सर ऊपर से कहाँ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से? उन्होंने कहा नहीं, सबसे ऊपर से, पीएमओ से। अब पीएमओ से का मतलब कौन है? नरेंद्र मोदी सर। तो उन्होंने सबको, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जैसा हमारा कोरोना पीरियड से पहले सारी चीजें चलती थी वैसे ही आपको ट्रैक पर लेकर आनी है। इसलिए उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि कोई भी पोस्टपोन नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। तो पोस्टपोन का आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बहुत बहुत रेयर चांसेज हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी से ही कोई मिल ले, जाके उनके ही पैर पकड़ ले, पीएमओ में जाके मिल ले, तभी कुछ हो सकता है। पीएमओ में इतना आसान होता नहीं मिलना। देखो हालांकि मैं नीट के मुद्दे को लेकर लास्ट टाइम मिला था पीएमओ में, लेकिन वहां मीटिंग ऐसे नहीं होती है यार। वहां जब आप मिलने भी जाओगे ना, कम से कम भी 4 5 6 गाड़ियां होती है साथ में, आपको एस्कॉर्ट करती है। मेरी पुरानी वीडियो देखना नीट की, पीएमओ एट पीएमओ ऑफिस आपको दिखेंगे। तो इतना आसान नहीं होता वहां पे अंदर जाना, मीटिंग करना, उसके लिए क्राउड की भी जरूरत पड़ती है और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी पीएमओ में मिला जा सकता है, पीएमओ तक आपकी बात पहुंचाई जा सकती है। आज ये एनडी ऑफिस में बच्चे नहीं आए यार, और ये ड्यू का मैटर होता तो आराम से अब तक रिजॉल्व हो गया होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों में अलग यूनिट थी, आप लोगों में अलग यूनिट थी, अब बच्चे हो गए, ठीक है। तो जो पोस्टपोनमेंट है, बहुत 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 वेरी 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 लेस चांस है, मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूँ, ठीक है। 75% के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बैकएंड में भी काम होगा इस पे, लेकिन आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों के करियर के साथ खेलना, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जब आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, और सबको होता है, कोई भी है ना यार। तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना, अगर कुछ होगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाना, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की भी बात की तो उन्होंने सीधा बोला नथिंग इज इन आवर हैंड, एवरीथिंग कहाँ से चल रहा है सब कुछ? मिनिस्ट्री से चल रहा है, और मिनिस्ट्री को कौन हिला रहा है? पीएमओ। पीएमओ के सीधे 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 सबको इंस्ट्रक्शन है, ट्रैक पर लेकर आओ चीजों को, जैसे पहले चलता था वैसे ही लेकर आओ, डिले बर्दाश्त में। और पीएमओ किसके हाथ में? नरेंद्र मोदी सर के हाथ में, जैसे उन्होंने बोल दिया वैसे ही होगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप मीटिंग में होते, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट कर रहे थे पीएमओ के हाथ में कैसे हो गया, मीटिंग में होते तो सब समझ में आता। मैंने तो कहा था ना बच्चे हैं मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा, क्यों नहीं पहुंचते हो यार आप लोग? है आप पड़ोस में भगत सिंह ढूंढते हो, खुद भगत सिंह बनना नहीं चाहते हो, आओ ना यार, क्यों नहीं आते हो? अगर आज आप टाइम निकाल लेते तो क्या हो जाता? एक कल बच्चे ने मुझे कॉल किया था जी मैं शारदा में सर बीटेक कर रहा हूँ और मैं आना चाहता हूँ। आओ, मोस्ट वेलकम, कि मैं 2 3 बच्चे साथ में ले आऊंगा। आया ही, इवन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था उस बच्चे, उसको ही मैंने बोल दिया था, कह रहा था ठीक है सर मैं ले आऊंगा, आया नहीं। उसके बाद जो बेचारे आज 3 बच्चे हौज खास से आए थे उनको फिर भेजा, फिर प्रिंट आउट निकलवाया, और हम लोग तो सुबह ही पहुंच गए थे 10:30 11 के आसपास। यार ऐसे नहीं चलता। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, सिर्फ वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। फोकस ऑन स्टडी, स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे मेरे को कॉल करें, मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है यार जब बच्चा जेई की प्रिपरेशन करता है ना, हर तरीके से डिप्रेशन में रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, मैंने किया ना, मैं गुजरा हूँ ना उन चीज़ों से। कालू सराय दिल्ली के अंदर कोचिंग की थी मैंने भी, 3 कोचिंग ज्वाइन कर रखे थे, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है।
मैं आपका दुख दर्द सब कुछ, और मैंने कहाँ कहाँ गलती है कि मैं जब बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ आपका शांति प्रोग्राम में, तो सबसे पहले वही डिस्कस करता हूँ कि मैंने कहाँ गलतियाँ की थी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर बना लेते हैं, फिर ब्रेकअप होता है पेपर टाइम में, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, और भी बहुत सारी आदतें लग जाती है। तो वो मैंने भी सफर किया, लेकिन उनसे मैं कैसे बाहर निकला, क्या किया, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आपका शांति प्रोग्राम में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता किसी बच्चे से। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लें, और दूसरा फोकस ऑन स्टडी, इस चैनल को देखते रहें, यहाँ पे सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मैं मोटिवेट करता रहूंगा। और ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो यार, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी में देखते हैं क्या कर कैसे क्या कर सकते हैं, पीएमओ को कैसे अप्रोच करना, आई विल सी, ठीक है ना। और अगर मुझे कुछ जो टीम 10 बच्चों की मैंने बना ली है, और अगर आप लोग भी कोई ज्वाइन करना चाहता है उस टीम को, देन कॉन्टेक्ट, ठीक है गाइस। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को सारे बच्चों तक भेज दो, ताकि जिन बच्चों को अभी भी डाउट है उनके डाउट क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।